दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान एलन मस्क जो 234 बिलियन यूएसडी डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपयों के मालिक हैं। ये इतना ज्यादा पैसा है कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी रोल्स रॉयस बोट टेल जिसकी कीमत 214 करोड़ है, एलन मस्क ऐसी 8,000 गाड़ियां आराम से खरीद सकते हैं। या फिर दुनिया की सबसे महंगी तरीन हिस्ट्री सुप्रीम यार्ड जिसकी कीमत 480 करोड़ है, एलन मस्क इस तरह की 4,000 यार्ड खरीद सकते हैं। आखिर कैसे लकड़ी काटने के कारखाने में काम करने वाला इंसान जो अब दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका है। जिनको टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एलन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पैदा हुए। अपना सारा बचपन साउथ अफ्रीका में गुजारा और 9 साल की उम्र में अपना पर्सनल कंप्यूटर हासिल किया। इनको बचपन से ही टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से बहुत लगाव था। हालात के दबाव की वजह से ये छोटी उम्र में एक लकड़ी काटने के कारखाने में काम करते रहे और साथ साथ अपनी तालीम जारी रखी। एलन मस्क ने 1997 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिकल और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने बिजनेस करने का प्लान बनाया। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक जिप्टू नामी ऑनलाइन सिटी गाइड वेबसाइट खोली, जिसको 1999 में एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कम्पैक ने इस वेबसाइट को 307 मिलियन डॉलर में खरीद लिया, जिसमें एलन मस्क का हिस्सा 22 मिलियन डॉलर था, जो तकरीबन अब 170 करोड़ रुपए बनते हैं। अपनी कमाई हुई 22 मिलियन डॉलर की रकम के साथ इसी साल एलन मस्क ने ऑनलाइन बैंक स्टार्ट किया, जो वो बहुत देर से करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने x.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपाल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई और 2002 में पेपाल को ईबे नामी कंपनी ने महंगे दामों में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा 165 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड़ रुपए था। एलन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। 2002 में ही इन्होंने स्पेसएक्स नामी एक कंपनी स्टार्ट की, जो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए रॉकेट्स बनाती है। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए हैं, बल्कि इनको स्पेस में भी भेजा, जिनके जरिए बहुत आराम से स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। एलन मस्क का कहना है कि 2030 तक मरीख और मार्स प्लैनेट पर लोगों के वहां रहने के मंसूबे पर काफी कोशिशें और काम कर रहे हैं स्पेस एक्स के साथ साथ। 2003 में एलन मस्क ने दो लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नामी कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ियां बनाती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला दुनिया की बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों में से एक है। टेस्ला कार न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती है, बल्कि इसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी है, जो मुसाफिरों को खुद ब खुद उनकी मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत रहता है। इसके अलावा जो बैटरीज टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं, इंतहाई जदीद किस्म की मानी जाती हैं, जिनकी मदद से गाड़ी एक चार्ज पर 520 किलोमीटर का सफर कर सकती है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट पूरी दुनिया में गर्दिश करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट 25 नवंबर 2020 से लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू हो चुकी है। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी और लोगों ने फौरन टेस्ला कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इंतहाई कम टाइम में 250 डॉलर में बिकने वाले शेयर की कीमत 850 डॉलर तक पहुंच गई। इस दौरान एलन मस्क जो 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे और 2021 के स्टार्ट ही में पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। एलन मस्क जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, लेकिन ये अपने एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम करते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।